सभापति महोदय, मैं अपने वरिष्ठ सदस्य साथी सुब्रमण्यम स्वामी जी के द्वारा प्रस्तुत गौर संरक्षण विधेयक 2017 के समर्थन में अपने विचार रखता हूं। महोदय, गाय को भारत की अधिकांश लोग माँ मानते हैं और मैं रुपोली जी की बात से सहमत हूं कि माँ पॉलिटिकल नहीं होती, माँ माँ होती है। माँ धार्मिक नहीं होती, किसी धर्म की नहीं होती है, वो धार्मिक नहीं हो सकती। और गाय, जो भारत की गाय जिसके बारे में इन्होंने अपने बिल में लिखा है, वो न तो द्रविड़ है न आर्यन है, वो भारत की गाय के बारे में इन्होंने लिखा है। हम लोग इसको द्रविड़ और आर्यन के बीच में डिवाइड ना करें। किसी पॉलिटिकल पार्टी की वो गाय नहीं है, जबकि एक बड़ी पार्टी का काफी लंबे समय तक गाय एक सिंबल हुआ करता था। उसके बावजूद वो उस पार्टी की पहचान गाय से नहीं है और गाय की पहचान किसी भी पार्टी के साथ नहीं है। महोदय, भारतीय सभ्यता में सृष्टि के विकास के साथ ही मानव और गोवंश का समन्वय रहा है। आरंभ से ही गोवंश हमारी सभ्यता, संस्कृति, जीवन शैली और अर्थव्यवस्था का अभाज्य हिस्सा रहा है। कृषि, उद्यम, व्यवसाय, संस्कार, कर्मकांड आदि हर क्षेत्र में गाय हमारे जीवन से जुड़ी रही है। इसीलिए तो भारतीय सभ्यता में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गौ रक्षा भी आज का विषय नहीं, सदियों से ये जुड़ा मुद्दा है और संविधान में भी इसकी चर्चा के बावजूद और उसके बाद भी आज इस बिल की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, इस पे हमें गौर करना चाहिए। आधुनिकीकरण के होड़ में हमने गोवंश का तो अनादर किया है और उसके दुष्परिणाम भी हम भुगत रहे। यह बात सही है कि अधिकाधिक उत्पादन के लिए तकनीकी डेवलपमेंट आवश्यक है, लेकिन हमें यह न भूलना चाहिए कि लगातार जनसंख्या वृद्धि के बावजूद गोवंश आधारित कृषि अभी भी हमारा पेट भरने में सक्षम साबित हो रहा है। इस मौके पर मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि वर्ष 2018-19 के बजट में रूरल कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने का बजट जो इस सदन में प्रस्तुत हुआ, उसमें भी यह उल्लेख है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत की जाए और कैसे अल्टरनेटिव इनकम सोर्सेज को बढ़ावा दिया जाए। अब प्रश्न उठता है कि माननीय सदस्य श्री स्वामी जी को यह विधेयक लाने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, जो मैं समझता हूँ। दरअसल भारतवर्ष पर बाहरी आक्रमणों और उसके बाद विदेशी शासन ने भारत की पवित्र भूमि पर गोवध की अस्वीकार परंपरा की नींव डाली। इस परंपरा के भारतीय मानस के प्रतिकूल होने के कारण चरणबद्ध सामूहिक विरोध और विद्रोह की शुरुआत हुई, जो आज भी जारी है। आज भी भारत का मानस गो हत्या के पक्ष में नहीं है। भारतवर्ष में गो रक्षा का सवाल सैकड़ों वर्ष पुराना है और इसका सीधा संबंध भारत की सभ्यता से है। जब कभी इस भावना को चोट पहुंचती है महोदय, तो इसका विरोध होता है, आंदोलन होता है। गोरक्षा के लिए बलिदान और जान की बाजी लगाने वालों की कोई कमी नहीं है। गोवध की शुरुआत भारत में गुलामी के साथ शुरू हुई। भारतीय इतिहास में हम देखेंगे कि अंग्रेजों के समय भी गोवध के कारण और गौमांस और गोचर्बी के कारण जो हमारा पहला जो विद्रोह हुआ था, उसका कारण भी यही बना था। लेकिन यहाँ यह भी उल्लेखनीय है महोदय कि इस्लामी राजाओं ने भी अपने शासन क्षेत्र में गोवध पे प्रतिबंध लगाया था। 1750 से अंग्रेजों ने गोवध करना शुरू किया, जो अंग्रेज अपने आहार के गोमांस का उपयोग करते थे। जैसे जैसे यह जानकारी लोगों तक पहुंची तो उसका विरोध होने लगा और जो सिपाही विद्रोह के रूप में विस्फोट हुआ। नामधारी पंथ के लोगों ने गोरक्षा के लिए 1860 के आसपास हथियार उठा लिए। वह विद्रोह 10 साल चला, जो धीरे धीरे देशव्यापी हुआ। वर्ष 1882 में स्वामी दयानंद सरस्वती की गोरक्षिणी सभा की स्थापना के बाद भारत में गोरक्षा आंदोलन एक बार फिर तीव्र हुआ। दक्षिण भारत, महोदय, दक्षिण भारत के सन्यासी श्रीमन स्वामी और दयानंद सरस्वती का दयानंद सरस्वती का नेतृत्व पाकर गोरक्षिणी सभाएं देश भर में बनी। आंदोलन को एक दिशा देने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1,00,000 हस्ताक्षरों वाला एक ज्ञापन महारानी विक्टोरिया, ब्रिटिश संसद वगैरह को देने की
घोषणा की और उस आंदोलन में कांग्रेस के नेता पंडित मदन मोहन मालवीय भी शामिल हुए। महोदय इतना ही नहीं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने 21 सितंबर 1966 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को पत्र लिखा कि मैं समझ नहीं पाता कि भारत जैसे एक हिंदू बहुल देश में जहां गलत हो या सही गोवध के विरुद्ध ऐसा है, इस पे कानूनन भारत में कुछ राज्यों में परंतु स्वतः अधिनियम का पालन हो रहा है। थोड़ी संख्या है, ये